Good morning everyone. Welcome you all in this science class. And I'm Kavita Gupta, your science teacher. Okay, so today I'm going to start the new chapter, that is chapter 9, the living organisms and their surroundings. Okay, what is the living organisms? Living organisms aap kya samajhte hain? You have been studying about living and non-living things from the lower classes. There are various living and non-living things all around us. All these living things are found all over the earth in different environments. Accordingly, their characteristics are very different from each other. Okay, means ki jo hum apne aas paas bahut sari living or non-living organisms ko ya things ko hum dekhte hain. Theek hai, bahut hi lower classes se aap in sab ke bare mein bhi padhte aa rahe hain. Okay, so we know about the living and the non-living things around us. It will be easy for anyone to give examples of the living and the non-living things. Okay, आप easily examples बता सकते हैं कि living things क्या होती हैं, non-living things क्या हैं. Wherever you see, you will find a living creature. If you look down, you may see an insect. If you look up, you may see a bird. If you look around you, will see other humans and animals such as dog, cat and cow. तो ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. ओके, हम अपने आसपास जितनी भी लिविंग थिंग्स को देखते हैं, ठीक है, जैसे हम ऊपर देखते हैं तो आपको बर्ड नजर आती है, नीचे देखते हो आप इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, और हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, तो ये सब जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनिजम्स कहलाती हैं. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which make them differ from the non-living. तो living organisms की क्या होती हैं, कुछ characteristics होती हैं जिसकी वजह से वो आपके non-living things से उनको हम different कर सकते हैं, है ना. तो आप बता सकते हैं क्या क्या living organisms के characteristics हैं? Yes, है ना, हम क्या कर सकते हैं, we need food and water. Living organisms grow, living organisms respire, ठीक है ना, हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है. ओके, और हमें किस किस की ज़रूरत होती है, फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये केवल आप किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ओनली लिविंग थिंग्स के, है ना. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और देयर सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स मीन्स होता है इनके आस पास की जगह जहाँ ये रहते हैं, तो वो किस तरह की होती है. ओके, तो क्या होता है कि हमारे जो आसपास सराउंडिंग्स हैं उसके ऊपर हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, है ना. आपने देखा होगा तो कुछ एनिमल्स आपके डेजर्ट में रहते हैं, कुछ आपके कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कुछ आपके बीचेस के पास रहते हैं, है ना. कोस्टल एरियाज जो होते हैं, मीन सी के जो बीचेस होते हैं ना किनारे, उनके आसपास बहुत सारे ह्यूमंस भी रहते हैं, आपको वहाँ प्लांट्स में मिल जाते हैं और एनिमल्स में मिल जाते हैं. तो आपने देखा होगा कि सब रीजन्स के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उनकी, डिफरेंट होती है. ये जो मैंने अभी आपको बताई ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है. रेस्पिरेशन सभी करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं, और वाटर के अंदर जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं. तो बट क्या होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है. जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी आपकी चेंज होती है, है ना. तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पहेली एंड बुजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड. ठीक है, कहाँ कहाँ गए वो, बहुत सारी जगह पे जहाँ उनको अच्छी लगती थी वो घूमने गए, वैकेशन पे गए, छुट्टियों में मीन्स. कहाँ का, ऋषिकेश, गंगा का जो रिवर गंगा है हमारी वहाँ पर, और माउंटेन्स पर भी गए हिमालयाज में. वेयर इट वॉज वेरी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, ठंड थी. दिस सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स. ठीक है, ये वहाँ के प्लांट्स थे जो उन्होंने वहाँ पर
देखे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। जो वहाँ के जो प्लांट्स थे वो क्या थे, उनके आसपास के जो घरों, मतलब हमारे जो घरों के आसपास जितने प्लांट्स होते हैं उनसे डिफरेंट थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान। कहाँ गए अदर ट्रिप में, वो नेक्स्ट ट्रिप में कहाँ आए, राजस्थान। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स, कैमल्स पर उन्होंने सवारी की टू द हॉट डेजर्ट। डेजर्ट आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा कैसा होता है, गर्म होता है। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप। ठीक है, इस ट्रिप में उन्होंने क्या कलेक्ट किया, बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स कलेक्ट किया। आपने जानते ही हैं डेजर्ट में जो सबसे ज़्यादा प्लांटेशन जो होता है, वेजिटेशन, वो क्या होती है आपके, कैक्टस होता है ना। कैक्टस बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। ठीक है, एंड में कहाँ गए, वो पुरी गए, सी बीचेस के पास में, डॉटेड विद कैस्क्यूरेना ट्रीज। वहाँ उन्हें क्या मिले, कैस्क्यूरेना ट्रीज मिले। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप, अ थ्रू स्ट्रक देम ना, ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये बहुत सारी जगह पर घूमे बट उन्हें ये चीज़ बहुत स्ट्रक की कि ये सब वहाँ पर जो प्लांट्स हमें मिलते हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वो सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, अलग है। ओके, सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। कुछ जगह बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म थी, और कुछ में क्या था, ह्यूमिड। ह्यूमिडनेस होती है मॉइस्चर, और ह्यूमिड आपका कहाँ रहता है, जो जो सी बीचेस के पास की जो जगह होती है ना, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, माइल्ड टेम्परेचर होता है, मीन्स ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, बट जो वहाँ की एयर है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक है, जो बट सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, लिविंग है, है ना। बहुत सारे देखे उन्होंने, प्लांट्स भी देखे अलग अलग तरीके, एनिमल्स भी देखे, बट वो सारे कैसे थे, लिविंग थे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की पूरी अर्थ पर ऐसी जगह ढूंढने की जहाँ उन्हें कोई भी लिविंग क्रिएचर नजर नहीं आए। ऐसी होती है क्या कोई जगह, नहीं, कहीं नहीं हो सकती। हम अपने चारों तरफ या वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, बट हमें ये लिविंग क्रिएचर्स हर जगह नजर आएंगे। बुझु थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। उसने अपने घर के आसपास की जगह के बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स। उसने कबर्ड्स के अंदर देखने की कोशिश की, हो सकता है यहाँ कुछ नहीं मिले उसे। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर। उसे लगा कि शायद हो सकता है यहाँ उसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिले कबर्ड के अंदर। तो बता सकते हैं क्या मिल सकता है कबर्ड के अंदर उसे, यस, स्पाइडर मिल सकती है ना, टर्माइट्स होती हैं, दीमक होती है ना, कई बार हमारे घरों में जो वुड की जो चीज़ें हैं उनके अंदर लग जाती है। ठीक है, और स्पाइडर, स्पाइडर तो आप देखते ही हैं हर जगह मिल जाती है। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। ठीक है, बट उसे वहाँ क्या मिल गया, एक टाइनी स्पाइडर मिल गई। आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव थिंग दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, बट उसे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ कोई लिविंग क्रिएचर्स नहीं है ऑफ सम काइंड और द अदर। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। ठीक है, पहली ने बट बहुत दूर, मतलब सोचा और ऐसी प्लेसेस के बारे में सोचा जो बहुत दूर है। She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. ठीक है, बट उसने क्या देखा कि volcanoes, volcanoes होते हैं ना ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, आपको पता है जब ये फटता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म क्या निकलता है, उसमें से लावा निकलता है, बहुत ज़्यादा कैसा होता है वो, गर्म होता है। इवन उसके बाद भी वहाँ पर क्या मिलते हैं, लिविंग क्रिएचर्स वहाँ भी मिलते हैं, मतलब इस वो प्लेस जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है फिर भी उसके आसपास आपको क्या मिल जाते हैं, लिविंग क्रिएचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्स। ठीक है, उनकी सराउंडिंग कैसी होती है जहाँ वो रहते हैं।
Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms. ठीक है, उनके काइंड्स के बारे में सोचा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं, हर जगह होते हैं, बट वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, जो अलग अलग लोकेशन पर हमें देखने को मिल जाते हैं, दैट दे हैड विजिटेड. ठीक है, द डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट में हमें क्या मिलते हैं, कैमल्स मिलते हैं. द माउंटेन्स हैड गॉड्स एंड याक्स, जो माउंटेन सीजन में अगर हम जाएंगे तो वहाँ हमें क्या मिलेंगी, गॉड्स मिलती हैं, याक्स मिलते हैं. पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पूरी जो है वो क्या ऐसा है, सी बीचेस के पास में है, तो वहाँ आपको अलग तरह के क्रिएचर्स मिलते हैं, जैसे क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बींग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी. वहाँ से क्या देखने को मिले, क्रैब्स, क्रैब्स होते हैं ना जो पानी के अंदर होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की जो फिशेज मिलती हैं, जो वहाँ के जो फिशरमैन होते हैं वो उनको क्या करते हैं, पकड़ते हैं. इस तरीके से वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, मीन्स उनका क्या कह सकते हो, एक तरीके से अर्निंग का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ये फिशिंग है ना, फिशिंग करते हैं, मीन्स वो उनको पकड़ते हैं फिशेज को, उनको फिर क्या करते हैं, बाहर जाके सेल करते हैं. तो मेन ऑक्यूपेशन होता है इनका. एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन, है ना. बट उसमें और बहुत सब क्रिएचर्स होते हैं, लाइक जैसे एंट होती है, चींटी जिसे हम कहते हैं, वो सब लोकेशंस में सब जगह आपको देखने को मिल जाती है. द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स. ठीक है, एक रीजन पे जो हमें प्लांट्स मिलते हैं वो आपके दूसरे रीजन के प्लांट्स से भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे हमने देखा डेजर्ट में हमें क्या मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कैक्टस देखने को मिलते हैं, और जो सी बीचेस हैं वहाँ पे हमें बहुत लंबे लंबे पाइन ट्रीज और इस तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं. वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स वर दे द सेम. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनके आसपास की सराउंडिंग्स किस तरह की होती है, जहाँ क्या वो सेम होती है, सेम नहीं होती ना. अगर सराउंडिंग सेम होती है तो आपके जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी सब जगह आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, बट सराउंडिंग डिफरेंट होती है, इसी वजह से वो हमें अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं. देखिए एक्टिविटी वन क्या है ये, लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट से शुरू करते हैं. थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर. ऐसे आप उनके बारे में सोचो, सभी प्लांट्स एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. List them in column 1 of table 9.1. नीचे इसमें एक टेबल दी हुई है 9.1. उसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर फॉरेस्ट लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको उन चीजों के बारे में लिखना है. List things, animals and plants found in the other regions that are also shown in the table. ठीक है, और बहुत सारे रीजन वहां दिए हुए हैं, फॉरेस्ट दिया हुआ है, माउंटेन भी दिया हुआ है, प्लेन्स दिया हुआ होगा, डेजर्ट होगा, तो वहां पर आपको किस किस तरह के अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो आपको उस टेबल के अंदर फिल करना है. ओके, तो ये टेबल आपको खुद से फिल करनी है. इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें इसी में से मिल जाएंगी, है ना. तो कि फॉरेस्ट में हमें किस तरह का मिलता है, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, पोलर रीजन्स में हमें किस किस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, किस तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, इसी चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा. तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे आप इस टेबल को फिल करते जाना. ओके, डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स. पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में भी आप डिस्कस कर सकते हो. टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज द टॉक ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स. आप लाइब्रेरीज में तो भी आप नहीं जा पाते, बट आपके घर में अगर कोई बुक अवेलेबल हो तो उन बुक्स में से भी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं. ओके, ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन दिस टेबल. ठीक है, वॉट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स. कह रहे कि इस तरह के किस तरह के वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स, मीन्स जो ना तो एनिमल्स हैं ना प्लांट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं
जो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं. परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, है ना. मीन ज़रूरी नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स ही मिले, उसके अलावा बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी. जैसे ड्राइड लीव्स होती हैं प्लांट्स की, बोन्स होती हैं एनिमल्स की, फॉसिल्स मिलते हैं ना हमें, जीवाश्म मिलते हैं डेड एनिमल्स के. वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स, बहुत अलग अलग तरह की हमें वहाँ सॉइल भी देखने को मिलती है. पेबल्स मीन्स होते हैं स्मॉल स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज़ कहलाती हैं आपकी पेबल्स. वाटर इन द ओशंस मे हैव सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5. चैप्टर 5 में मैंने पढ़ा था कि जो सी वाटर ओशियन का जो वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है ना. देयर कुड बी मैनी मोर सब्जेक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1. ठीक है, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे आप उसके अंदर उन चीज़ों को ऐड करते जाना. देखिए ये टेबल है यहाँ पर, ये दी गई है. तो आपको यहाँ पर इन द फॉरेस्ट में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट, सी या फिर एनी अदर. यहाँ पर आप पोलर रीजन्स भी लिख सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर आपको पोलर बियर्स देखने को मिलते हैं, है ना. तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, वी डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको टेबल को फिल करते हैं. नेक्स्ट है आपका हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. हैबिटेट क्या होता है एंड अडेप्टेशन क्या होती है, ठीक है, अभी पढ़ते हैं. वॉट डू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1. ठीक है, डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन दैम, लुक एट वॉट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1. Did you list very different kind of organisms in these two columns? What are the surroundings like in these two regions? ठीक है, इसने बोला हमने दो तरह के हमने कॉलम है, जैसे एक तो हमने सी वाला कॉलम दिया और एक हमने डेजर्ट वाला कॉलम दिया. तो उन दोनों के अंदर ही आप देखेंगे कि बहुत हमें अलग अलग वेराइटी देखने को मिलेगी. सी के जो एनिमल्स हैं वो अलग तरह के होते हैं, आपको डेजर्ट में जो एनिमल्स मिलते हैं वो आपके अलग तरह के होते हैं. ठीक है, तो ये सब आपका किस पे डिपेंड करता है, उसकी सराउंडिंग्स या वो रीजन जहाँ पर वो रहते हैं. ठीक है, उन पर ये चीजें आपकी डिपेंड करती हैं. इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर. ठीक है, सी में आपने देखा होगा जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो आपके किससे सराउंडेड होते हैं, किससे घिरे होते हैं, वो एक तरीके से पूरे वाटर से. वाटर कैसा होता है, वो सॉल्टी. सलाइन, सलाइन मीन्स होता है सॉल्टी. ठीक है, सॉल्टी वाटर से वो होते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, और वो जो ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए उन्हें जो एयर चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, वो भी उन्हें वाटर से ही मिलती है. ठीक है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसी ऑक्सीजन को वो अपने रेस्पिरेशन के लिए काम में लेते हैं. There is very little water available in the desert. But जो desert होता है, रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, water. It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. Okay? Desert में क्या होता है कि जो डे टाइम होता है, दिन का जो समय होता है, उस टाइम तो बहुत तेज क्या होती है, ठंड होती है. और जो रात का टाइम होता है, नाइट में, वो बहुत जल्दी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बहुत ठंड होती है वहाँ पे. क्योंकि वहाँ डेजर्ट में क्या मिलती है आपको, रेत, सैंड देखने को मिलती है ना, सैंड होती है चारों तरफ. तो सैंड में क्या होता है, बहुत जल्दी तो वो गर्म होती है और बहुत जल्दी क्या होती है, वो ठंडी होती है एज कम्पेयर टू वाटर. ठीक है, वाटर आपका धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है. बट जो सैंड होती है वो आपकी एकदम तेजी से ठंडी होती है और एकदम ही वो आपकी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. इसलिए डे टाइम में तो वहाँ क्या होता है, बहुत गर्मी होती है और नाइट में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीद एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, डेजर्ट की जो सॉइल होती है वहाँ पर वो रहते हैं और उसी की जो एयर है उसमें वो ब्रीथ करते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, दोनों बहुत अलग अलग हैं. एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन, इजंट इट.
तो हम वहाँ जो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं. लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी. ठीक है, टू ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं ये, एक जो हमें डेजर्ट में मिल रहा है, एक हमें सी में मिल रहा है. ठीक है, एक हमने बात की अभी यहाँ पर कैमल की. डेजर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? कैमल. और सी में क्या मिलती है हमें? फिशेज देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो हम अभी इन दो के बारे में इसमें पढ़ते हैं. देखिए कि इनकी बॉडी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी बॉडी के अंदर जो उन्हें उस एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प करती है. ओके, सबसे पहले बात करते हैं कैमल. अ कैमल एंड अ फिश. ठीक है, कैमल है आपका डेजर्ट और फिश आपकी कहाँ मिलती है? सी में. चलिए, ठीक. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस. कि मीन्स कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है जो उसे डेजर्ट की कंडीशंस में रहने के लिए हेल्प करता है कि उसको वहाँ पर सर्वाइव कर सके. तो इस तरीके से अगर फिश को आप डेजर्ट में लाकर छोड़ देंगे तो वो क्या रह पाएगी? या कैमल को अगर आप पानी के अंदर ले जाएंगे, सी के अंदर ले जाएंगे, तो वो क्या रह पाएगा वहाँ पर? नहीं रह पाएगा. तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है जिस जगह पर जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी है उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है जिससे हम इजीली रह पाए. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं उस एनवायरनमेंट के लिए, है ना. तो यही क्या कहलाते हैं आपका? एडेप्टेशंस कहलाता है. ठीक है, अभी आगे इसकी डेफिनेशंस आएगी. ठीक, देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैमल में. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. आपने देखा होगा कैमल के जो लेग्स होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, है ना. तो वो क्या करते हैं कि जो सैंड की जो हीट है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उसकी लेग्स की वजह से उसकी बॉडी में, और सैंड की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है ना, तो जो सैंड की हीट है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. ठीक है, उनका जो यूरिन होता है वो भी बहुत कम होता है. देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. डंग जो होता है उनका वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और स्वेट मीन्स उनको पसीना भी नहीं आता. डू नॉट स्वेट. सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज. ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी के अंदर से जो वाटर जो लॉस होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, कि यूरिन भी उन्हें बहुत कम आता है, डंग भी उनका जो होता है बहुत ड्राई होता है उसमें भी वाटर नहीं जाता, और जो स्वेट होता है वो उन्हें नहीं आता. तो इसकी वजह से जो वाटर लॉस है उनकी बॉडी से वो बहुत कम होता है. सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. ठीक है, इसीलिए वो बिना पानी के बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. ठीक है, अब हम बात करते हैं फिश की. सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3. 9.3 फिगर है, देखिए नीचे वहाँ बहुत सारी फिशेज दी हुई हैं. आपने देखी भी होंगी कभी, आप अगर फिश एक्वेरियम या इस तरह की कहीं घूमने अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ अलग अलग तरह की आपको फिश नजर आती है. ठीक है, उनका जो क्या होता है कलर सबका डिफरेंट होता है, कुछ बहुत छोटी होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो अलग अलग टाइप की हम फिशें देखने को मिलती हैं. बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप्स. अलग अलग वैरायटी होती है बट एक चीज जो सब में कॉमन होती है वो होती है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी का शेप. कैसा होता है वो? स्ट्रीम लाइंड होता है. स्ट्रीम लाइंड मीन्स वो आगे से एकदम शार्प होती है और पीछे से भी शार्प होती है ना, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है उनकी जिससे वो इजीली वाटर के अंदर मूव कर पाए, है ना. ऑल द वंस शोन हैव देयर हैव हेयर हैव द स्ट्रीम लाइंड शेप. दैट वॉज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8. चैप्टर 8 में भी हमने पढ़ा है फिशेस के बारे में, जब पढ़ा था कि उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइंड होती है. दिस शेप हेल्प्स देम मूव इन साइड वाटर, जो वाटर के अंदर मूव करने में उन्हें हेल्प करती है. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. उनकी बॉडी पे स्लिपरी स्केल्स होते हैं. दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर. ठीक है, जो उनके जो वाटर के अंदर वो इजीली मूवमेंट कर सके इसके लिए उनके स्लिपरी स्केल्स होते हैं. वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस.
एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर. फिन्स होते हैं इनकी बॉडी में, टेल्स होती है जो उन्हें डायरेक्शन चेंज करने में और वाटर के अंदर अपना बैलेंस बनाने में हेल्प करती है. गिल्स होते हैं उनके अंदर, जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको वो अपने गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. ठीक है, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. ओके, तो इस तरीके से होता है. देखिए यहाँ पर दोनों की पिक्चर्स आपको दिखाई हुई हैं. यहाँ फिशेज हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फिश दिख रहे हैं आप. यहाँ पर कुछ फिशेज बहुत छोटी छोटी है, यहाँ ये कुछ बड़ी है. सबका साइज अलग अलग होता है, बट इनकी बॉडी में एक जो चीज़ कॉमन होती है वो होती है इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी. स्ट्रीम लाइन बॉडी दिखिए आपको, ठीक है, आगे से एकदम ये शार्प है और पीछे से भी इसी तरह से ये होती है. तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी. ओके, वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इन साइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट. ठीक है, अभी हमने देखे दोनों के फीचर्स, देखे कैमल के भी और हमने फिश के भी. तो कैमल के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, और फिश के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो उसको वाटर के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो वी हैव टेकन ओनली टू एग्जांपल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ. ठीक है, इसी के लिए हमने केवल दो एग्जाम्पल्स लिए हैं. इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स में से केवल हमने दो एग्जाम्पल्स लिए फिश और कैमल का. इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड. ठीक है, मीन्स ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्टेन फीचर्स हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास की जगह के मतलब अनुसार हमारे जो बॉडी है वो चेंजेस करती रहती है. The presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation. ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना, ये adaptation की definition है. Okay, क्या है इसमें? The presence of specific features or certain habits. Means हमारी body के अंदर कुछ features और certain हमारी habits होती हैं. Means हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो हमें क्या करती हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में रहने के लिए हमें अनेबल बनाती हैं. उसे ही हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं. ठीक है, मीन्स हम आसपास जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो अपने अंदर कुछ फीचर्स डेवलप कर देती है जिससे हम वहाँ पर इजीली रह सकें. ठीक है, आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग, हम तो यहाँ राजस्थान में, राजस्थान कैसा है, एक आपका एक ड्राई, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पर मेनली, है ना. और बस बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, आपके J&K में रहते हैं. J&K कैसा है आपका, कोल्ड, कोल्ड रीजन है वो, है ना. वहाँ पर मोस्टली क्या रहती है आपकी, ठंड रहती है. तो हमारी बॉडी और उनकी बॉडी में भी क्या है, एक तरीके से मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. अगर हम वहाँ J&K में जाकर रहने लग जाएँ तो हम उस क्लाइमेट को इजीली बेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, या तो हम वहाँ बीमार हो जाएंगे जाकर, हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. और अगर वो लोग यहाँ आगे रहने लग जाएं तो उन्हें भी प्रॉब्लम आएगी. तो मीन्स हम जहाँ रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी के अंदर जिससे हम इजीली वहाँ पर रह सकें. तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं. ओके, so different animals are adapted to their surroundings in different ways. The surroundings where organisms live is called a habitat. और आसपास की जो surroundings होती हैं जहाँ वो organisms रहते हैं उसको हम बोलते हैं habitat. ठीक है, adaptations होती हैं features और habitat होती है मीन्स आसपास की जो surroundings हैं जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारी कहलाती है habitat. The organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. ठीक है, हम जहाँ रहते हैं हमारा जो habitat है, habitat means कह सकते हो एक तरीके से हमारा होम है, घर कहलाते हैं एक तरीके से, है ना. जैसे हमारा घर होता है वहाँ हमें हर तरह की क्या होती है, फैसिलिटी होती है. हमें पता होता है हमारे घर में हमें किस तरीके से रहना है. अगर हम किसी दूसरे के घर में जाकर रहते हैं तो हमें थोड़ी इजीनेस इतनी नहीं होती ना, अनइजीनेस होती है थोड़ा सा, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ें तो कहाँ रखी है.
ठीक है, कैसे तो सबके घरों का जो है अलग अलग वो होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम इजीली अपने घर में रह सकते हैं, तो इसी तरीके से क्या होता है, हैबिटेट होता है, ठीक है। तो हैबिटेट मीन्स होता है हमारा सराउंडिंग जहाँ हम इजीली रह सके। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर, और हम अपने सराउंडिंग्स पर, किसके, हमारे फूड, वाटर, शेल्टर, सभी चीज़ों के लिए हम अपने सराउंडिंग्स पर, अपने हैबिटेट्स पर डिपेंड होते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस या अ होम, ठीक है। हैबिटेट को हम क्या कह सकते हैं, हमारा एक तरीके से होम। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, ठीक है। बहुत सारे के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जो सेम हैबिटेट अपना शेयर करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। यहाँ है आपका ये जो डेफिनेशंस बोल्ड लेटर से जो भी लिखी है ना यहाँ पर, अडेप्टेशंस, हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक आएगा अभी, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं। आप अपनी बुक के अंदर इन्हें अंडरलाइन कर लेना, और अगर हो सके तो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना, ओके, जिससे आपको याद रहे। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, मीन्स ऐसे, ठीक है, प्लेन पे लैंड पे रहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन्स रीजन। ये सारे आपके किस में आते हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। जो लैंड पर रहते हैं वो कहलाते हैं आपके टेरेस्ट्रियल, और जो वाटर में रहते हैं वो कहलाते हैं आपके एक्वेटिक। पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। देयर आर लार्ज वेरिएशंस इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन्स रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स एज वेल, ठीक है। सभी को हम, चाहे वो ग्रासलैंड है, चाहे वो डेजर्ट है, या वो माउंटेन है, सभी को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो कहते हैं, बट फिर भी इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसी तरीके से आपके एक्वाटिक के अंदर भी होता है, कुछ एनिमल्स आपके पॉन्ड्स में रहते हैं, कुछ आपके सी या ओशियंस में रहते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है, ओके। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अ बायोटिक कंपोनेंट्स। सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फॉर्म अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट, ठीक है। चलिए आज हम बस इतना ही करेंगे। देखिए बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, मीन्स जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक के अंदर आते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स, मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सभी लिविंग होते हैं ना, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, आपका बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और जो ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो आपकी क्या बनाती हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे सनलाइट है, हीट है, एयर है, सॉइल है ना, ये सब चीजें आपकी, वाटर भी आप इसमें ले सकते हो, तो ये सब चीजें नॉन लिविंग है, और ये आपका क्या बनाती हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर हमारे आते हैं लिविंग, और एबायोटिक में आते हैं हमारे नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। आज तक हम बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर मैं आपको बाद में करवाऊंगी, कंटिन्यू करेंगे हम इसे बाद में। तो अभी जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, इसको वापस से एक बार इसकी अच्छे से रीडिंग करें, और जितने भी ये बोल्ड लेटर्स से जितनी भी डेफिनेशंस आई हैं, इन्हें अंडरलाइन कर लेना, बायोटिक, एबायोटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ठीक है। और उससे पहले भी आई थी एडेप्टेशंस एंड हैबिटेट, ठीक है, ये सभी इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, अपनी नोटबुक के अंदर इन्हें नोट कर लेना, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।